हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 2017 में जितने भी एक्टिव और पैसे बॉयज़ के क्वेश्चंस आए हैं क्लास टेंथ यूपी बोर्ड में उनको सॉल्व करेंगे तो एक्टिव और पैसे बॉयज़ की एक और वीडियो मैं करा चुका हूं उसमें एक्टिव और पैसे बॉयज़ के सभी रूल्स दिए गए हैं किस तरीके से हम चेंज करते हैं क्या नियम हैं और उसमें दो से लेकर बीस तक के सभी सेट भी सॉल्व हैं इस वीडियो में हम 2017 में जितने भी एग्ज़ाम में एक्टिव और के सेंटेंसेस आए हैं वो हम सभी सॉल्व करेंगे तो पहला सेंटेंस क्या है ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा हिज ब्रदर इज का हो जाएगा इज बीइंग हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्पिंग इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो हो जाएगा हेल्पड और ये जाएगा लास्ट में बाई ही का कर्म कारक हिम तो क्या बनेगा ऐसे बॉयस में हिज ब्रदर इज बींग हेल्प्ड बाई हिम हिज ब्रदर इज बींग हेल्प्ड बाई हिम इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है आई नो हिम वेरी वेल तो इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या है हिम ये बहुत आया है एग्जाम में इसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट गलत मान लेते हैं वेरी वेल well, इसको ही ऑब्जेक्ट मान लेते कहीं तो हेम को सब्जेक्ट बनाएंगे ही और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है फर्स्ट फॉर्म जब दी रहती है तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद इज और क्रिया की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही नो no की थर्ड फॉर्म नॉन ही इज नॉन अब नॉन के बाद प्रपोजिशन बाय नहीं आता है टू आएगा ही इज नॉन टू और आ जाएगा लास्ट में तो हो जाएगा मी ही इज नॉन टू मी और उसके बाद वेरी वेल ही इज नॉन टू मी वेरी वेल अगला है ही विल फिनिश हिज वर्क बाई टूमोरो आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है हिज वर्क कल तक वो अपना काम पूरा कर लेगा हिज वर्क सब्जेक्ट बनेगा हिज वर्क बिल का बिल बी फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क Will be finished by हिम उसके बाद by tomorrow. लास्ट में एज इट इज लग जाएगा work will be finished by him, और लास्ट में by tomorrow. इसके बाद अगला है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा इंपरेटिव सेंटेंस है तो इस तरी इसके मैंने तीन तरीके बताए हैं आपको तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर देखिए सभी रूल्स दिए गए हैं इम्परेटिव के सेंटेंस से जो है तीन तरीके से सॉल्व करना बताया गया है तो यदि हम इसको लेट से बनाते हैं तो लेट इसके बाद लगेगा अ ग्लास ऑफ वाटर फिर बी बी लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी और बृंग की थर्ड फॉर्म लगेगी ब्रॉट लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट सुड से भी बन सकता है तो पहले लगाएंगे अ ग्लास ऑफ वाटर सुड बी ब्रिंक की थर्ड में लगेगी ब्रॉड अ ग्लास ऑफ वाटर सुड बी ब्रॉड और मुझे एक गिलास पानी लाओ ये रिक्वेस्ट भी है तो ऐसे भी बन सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इसके बाद देखिए पाँचवा एवरी वन लव्स हिम तो ये हिम जो है ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा ही अब लफ्ज़ फर्स्ट फॉर्म दी है तो ही इज लव्ड फर्स्ट फॉर्म में ऐसा हीस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनेट तो इंडेफिनेट जाता है कंटिन्यूस में ही इज लव्ड और एवरी वन को बाय से नहीं जोड़ते हैं जैसे एवरी वन एवरी एनी वन नो वन पुलिस पीपल ये जो वर्ड होते हैं इनको पैसे बॉयस में हटा दिया जाता है तो ही इज लव्ड बस इतना ही हो जाएगा ही इज लव्ड इसके बाद लास्ट ही टीच इज अस इंग्लिश एवरी डे आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हैं दो एक तो ये अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसकी पैसे बॉइस बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट बनेगा वी टीचेज फर्स्ट होम है तो एजाम आर लगाते हैं वी के साथ आर वी आर टीच की थर्ड होम टॉट वी आर टॉट उसके बाद इंग्लिश एज इट इज़ लिखा जाएगा फिर बाई हिम ये ही जाएगा लास्ट में सब ऑब्जेक्ट की जगह बाई हिम तो वी आर टॉट इंग्लिस बाई हिम एवरी डे लास्ट में आ जाएगा वी आर टॉट इंग्लिस बाई हिम एवरी डे अब दूसरा तरीका इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश इज टॉट टू अस ये ये जो अस है इसे टू से जोड़ कर लिख देंगे टू अस बाई हिम एवरी डे बस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यदि वो लास्ट में लिखा रहा तो टू से जोड़ देंगे इतना अंतर है तो क्या बनेगा इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई हिम एवरी डे तो इस तरीके से वीडियो होती है कंप्लीट आगे की और वीडियोस एक्सरसाइजिस में आपको लाता रहूँगा वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद